सभी को मेरा नमस्कार। एसपी डिजाइनिंग यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक और नया स्पेशल सा वीडियो। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था अम्ब्रेला कट लहंगे की कटिंग, चार मीटर जो कपड़ा होता है हमारा, उस लहंगे उस कपड़े का हम अम्ब्रेला कट लहंगा कैसे काटे और कैसे बनाए। तो मैंने आपको कटिंग तो दिखा दी थी और वो लंबा वीडियो हो गया था, इस वजह से मैंने उसमें स्टिचिंग नहीं बताई। तो अब मैं स्टिचिंग बता रही हूँ आपको। तो आप देख सकते हो इसको मैंने काट कर तैयार कर लिया था, अम्ब्रेला कट में दिखा दिया था मैंने, अम्ब्रेला कट में इसको काट लिया आप देख सकते हो। तो इसमें क्या है, हमें एक तो यहाँ पे जो नीचे कपड़ा जोड़ना है, हमारा जो लहंगा यहाँ से छोटा था वहाँ पे कपड़ा जोड़ना है, और जो हमारा जो दो पैने थे इस चार मीटर लहंगे को, क्या है हम तीन मीटर को काटते हैं, तो हमारा एक ही सिंगल पैना होता है, पर हम चार मीटर के लहंगे में अम्ब्रेला कट बनाते हैं तो उसमें डबल अम्ब्रेला कट हो जाता है, इसलिए डबल भाग हो जाते हैं उसके। तो आप देख सकते हो एक भाग ये है और एक भाग ये है। तो हम सबसे पहले क्या है, जो दोनों भाग है ना हमारे लहंगे के, उसको जोड़ लेते हैं। सबसे पहले हम क्या इसको जोड़ेंगे, उसके बाद में हमें क्या हमारे लहंगे का पूरा वो समझ में आ जाएगा, हम कन्फ्यूजन में नहीं होंगे कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना। तो सबसे पहले ये दो हमारे दोनों भाग है, इसकी लंबाई हमें 42 इंच की लेनी थी, तो इसको 42 इंच का मैंने नाप लिया, ये 42 इंच के दोनों भाग बराबर आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम इन दोनों भागों को स्टिच कर लेते हैं। ये दोनों भागों का दोनों ऊपर से मुंह बराबर कर लिया था कि हम, क्योंकि हम मुंह बराबर करेंगे तभी हमारा लहंगा बराबर आएगा, नहीं तो हमारा लहंगा भी छोटा बड़ा हो जाएगा। इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि इसके दो भाग होते हैं तो दोनों भागों को बराबर जोड़ना है हमें, इंच टेप से नाप लेना है हमें दोनों भागों को कि 42 इंच 42 इंच की जिस लहंगे की आप जितनी लंबाई करो उस हिसाब से आपको नाप लेना है। और मैंने मेरे लहंगे की 42 लंबाई की है तो मैंने दोनों भागों को नाप लिया है 42 इंच के आ रहे हैं। तो अब इसको हम दोनों भागों को जोड़ लेते हैं। तो ये हमारे दोनों भाग है, इसको मैं पूरा जोड़कर तैयार कर लेती हूँ। इसी प्रकार से हमें इसको बराबर जोड़ना है, यहाँ से भी हमें ध्यान रखना है कि हमारे ये दोनों पैने हैं ये बराबर होने चाहिए इस प्रकार से। तो मैं इसको पूरे को जोड़कर तैयार कर लेती हूँ। देख सकते हैं जो हमारे दोनों पैने थे वो मैंने पूरे जोड़कर तैयार कर लिए। जो अब हमारे जो नीचे से हमने हमारा लहंगा काटते समय छोटा हो गया था बीच में से, उसके नीचे हम कपड़ा जोड़ेंगे, उस कपड़े को जोड़कर तैयार कर लेते हैं। साथ ही उसको भी जोड़ लेना है। तो मैंने, अब देख सकते हो ये वाला कपड़ा था, मैंने इसको भी जोड़ लिया है। तीन कपड़े थे हमारे, तो एक तो हमें जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, दोनों एक साथ जुड़ेंगे, तो इसको मैंने जोड़ लिया है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ इसको कहाँ पे जोड़ना है और कैसे जोड़ना है। हमें जो हमारे ये कपड़े हैं वो यहाँ पे जोड़ने हैं, क्योंकि हमें यहाँ से जो हमारी लंबाई है वो हमारी लंबाई कम आ रही है, हमारी लंबाई यहाँ से 32 इंच 33 इंच आ रही है। तो जो हमारे लहंगे का क्या है, ये अलग ही पार्सल दिख रहा है, आपको पता है छोटे हैं, वहाँ पे आप निशान भी लगा सकते हो ताकि आप कन्फ्यूजन हो जाओ, तो आप वहाँ पर निशान लगा लेना कि हमें यहाँ पर जोड़ना है। पर यहाँ से जो हमारा ये कपड़ा है हमें यहाँ पर जोड़ना है इस प्रकार से। तो मैंने इसको तो जोड़ कर पूरा तैयार कर लिया था, और इसको हमें इस प्रकार से जोड़ना है ताकि जो हमारे नीचे की गोलाई, घेर में गोलाई काटी थी हमने, वो हमारे नीचे की साइड रहे। तो हमें इस प्रकार से इसको जोड़ना है। तो अब देख सकते हो इस प्रकार से हमें जोड़ना है। तो मैं इसको आपको जोड़ के फिर हमारे लहंगे को दिखाती हूँ। यहाँ से आप देख सकते हैं मैंने जो हमारा यहाँ से हमारा लहंगा छोटा था वो मैंने कपड़ा जोड़ लिया है, और हमारा लहंगा देख सकते हो आप बिल्कुल बराबर हो चुका है। तो हम क्या है, हमारे लहंगे में लेस लगा कर सिलेंगे। अगर आपको लहंगे में पट्टी लगा कर सिलना है तो आप जितनी आपकी लंबाई हो, आपकी लंबाई 42 है तो आपको 3 इंच की पट्टी लेके फिर 45 इंच का इसका जो लंबाई है वो काटनी है। अगर आपको इस लहंगे में बुकरम लगाना चाहते हो तो बुकरम लगाने के लिए हमें 1 इंच ज़्यादा काटना है। तो हमारे लहंगे की लंबाई 42 है तो हमें 43 इंच की काटनी है, क्योंकि नीचे हम बुकरम लगाएंगे तो 1 इंच हमारा जो पट्टी जोड़ेंगे हम बुकरम के साथ उसमें स्टिच करने में जाएगा, पर इसके तो मैं लेस लगाऊंगी, इस वजह से मैंने इसकी 42 ही लंबाई काटी है। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे लहंगे के नीचे की जो लेस है वो लगाएंगे हम। तो आप इसमें रेड कलर की लेस भी लगा सकते हो, गोल्डन कलर की लेस भी लगा सकते हो, आपको जो भी लेस पसंद हो उस प्रकार की, क्योंकि इसमें सभी प्रकार की लेस चल सकती है, जिस प्रकार से आप ओढ़नी ले हो लेस लो उसी प्रकार से इसमें लेस लगाना, ताकि हमें ओढ़नी डिसाइड करने में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी कि हम कौन सी ओढ़नी ओढ़े कौन सी नहीं। तो इसी प्रकार सबसे पहले हमारा लहंगा पूरा बराबर हो चुका है, आप देख सकते हो बिल्कुल पूरा लहंगा हमारा नीचे से बराबर हो गया। तो अब हम इसके अंदर लेस लगाएंगे।
तो मैं ये लेस लगाऊंगी हमारे लहंगे में जो रेड कलर की लेस है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा रेड कलर की प्रिंट है, इस वजह से मैं इसमें ये रेड कलर वाली लेस लगाऊंगी। तो आप देख सकते हो जो हमारा लहंगा है उसमें ये लेस कितनी सुंदर सी लगेगी, इसी की मैचिंग की हमारी जो लेस है ये बहुत ही सुंदर सी लगेगी, और हमारा लहंगा बिल्कुल सिंपल का सिंपल रहेगा और डिजाइनिश का डिजाइनिश हो जाएगा, हमारे लहंगे का लुक भी सुंदर हो जाएगा और सिंपल का सिंपल रहेगा। तो अब हम ये लेस लगाना स्टार्ट करते हैं लहंगे में नीचे की साइड। हम क्या है, लेस लगाने से पहले हमें एक काम करना है, जो हमारा ये लहंगा है ये यहाँ से मतलब बेला बेला सा अजीब सा लग रहा है, इसको हम सही करेंगे। तो इसको सही करने के लिए क्या है, इसके ऊपर से हम टाँका देंगे। तो मैं आपको बताती हूँ इस प्रकार से हमें टाँका देना है, इस प्रकार से रखना है और इस प्रकार से इसके ऊपर इस प्रकार से टाँका देना है, ताकि जो हमारा ये बेला बेला है ये बिल्कुल फिनिशिंग से हो जाए, बेला बेला नहीं रहे, इसकी बहुत ही सुंदर से फिनिशिंग आ जाए। जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा जोड़ा था नीचे, उसका उस टाँके के ऊपर देना है हमें। तो इसके ऊपर मैं पूरा टाँका लगाकर तैयार कर लेती हूँ। जो ये टाँका है ये लगाने के बाद में आप देख सकते हो बिल्कुल भी हमारा जो लहंगा है बिल्कुल भी भेला नहीं हो रहा है, कितने अच्छे तरीके से इसकी फिनिशिंग आ रही है। तो अब चलते हैं हम लेस लगाएंगे, अब हम लेस लगाना स्टार्ट करते हैं लहंगे पर। प्रकार से जो हमारी ये रेड कलर की लेस है, क्योंकि रेड लेस रेड और गोल्डन दोनों है इसमें, तो ये फ्लावर भी रेड है और गोल्डन भी है, तो इसी प्रकार से मैंने रेड और गोल्डन लेस लिए दोनों। तो इसी प्रकार जो हमारा लहंगा है इसमें हमें ये लेस लगानी है, तो यहाँ से हमें ध्यान रखना है कि हमारी लेस बाहर ना निकल जाए, क्योंकि हमारी लेस में एक छोटी लेस है, तो हमें इस प्रकार से इसको लगाना है। तो आप देख सकते हो उधर मैंने थोड़ी सी लगाई है, तो हमारा जो लहंगा है कितना सुंदर सा लग रहा है। और अभी तो हम इसमें क्या है, थोड़ा सा सुंदर लुक देने के लिए इसके अंदर एक गोटा वाली लेस और लगाएंगे। तो सबसे पहले जो हमारी ये रेड वाली लेस है इसको लगा लेते हैं। हम देख सकते हैं जो हमारा लहंगा था उसका लेस लगाने के बाद में लुक ही अलग चेंज हो गया, हमारा लहंगा कितना प्रिटी सा लग रहा है। तो जो हमारी ये लेस है इसी प्रकार हमें ये पूरी लेस लगा लेनी है। तो ये पूरी लेस लगाने के बाद में हमारे जो लहंगे का लुक है वो दिखाती हूँ मैं आपको। तो आप देख सकते हैं जो हमारी लेस है वो कितनी सुंदर तरीके से पूरे लहंगे में लग कर तैयार हो गई है, और हमारे लहंगे का लेस लगाने के बाद में लुक ही अलग हो गया, देख सकते हो। तो अब हम इसके ऊपर क्या है, एक गोटे वाली लेस और लगा लेंगे, तो हमारा लहंगा क्या है चार चांद लग जाएंगे हमारे लहंगे में। तो ये लेस भी इतनी सुंदर इतनी प्रिटी लग रही है भाई, आप देख सकते हो। आपको आपको पता नहीं पर मेरे तो मेरे सामने है लहंगा, तो मेरे को तो इतनी सुंदर सी लग रही है कि इसको तो अभी मैं पहन लूँ लहंगे को, पर अभी तो ये कम्प्लीट ही नहीं हुआ, इसको कैसे पहनूँ, पर मैं पूरा कंप्लीट करके भी आपको दिखाऊंगी इसको, उसके बाद में पहनूंगी। तो इसके पूरी जो ये लेस थी वो लगकर पूरी तैयार हो गई है। तो जो हमारी गोटे वाली लेस है एक छोटी सी पिल्टी सी है, एक सुंदर सी लेस, ज़्यादा हैवी भी नहीं है बस हल्की सी है। तो उसको क्या है हम वो लगाएंगे, तो हमारे लहंगे में क्या और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा हमारा लहंगा, जितना मतलब इतना अच्छा हो जाएगा कि आप पहनोगे तो आपको यही पूछेंगे कि आप कहाँ से लेके आए थे ये। तो आपके पास अगर बड़ी गोटा वाली, जो आपको अगर ऐसी लेस पसंद हो बड़ी वाली तो आप ऐसी लगा सकते हो, आपको छोटी पसंद हो तो आप छोटी भी लगा सकते हो, जैसी आपकी इच्छा हो उस प्रकार से आप इस प्रकार की लेस लगा सकते हो। तो मैं अब लेस और लगा लेती हूँ गोटे वाली, सकते हैं हम ये गोटे वाली लेस लगाने के बाद में हमारा लहंगा और भी सुंदर लगेगा। तो ये हमारी गोटे वाली लेस है, बाहर एक सी लेस है, इसमें कोई वो भी नहीं होगा, हमारा लहंगा ज़्यादा हेवी भी नहीं होगा और हमारा लहंगा लुक भी शानदार देगा हमारे लहंगे में, मतलब बहुत ही सुंदर लुक आ जाएगा। तो ये हमें लेनी है इंच टेप से नाप के लेनी है, 2 इंच के हिसाब से हमें जो हमारे गैप रहेगा बीच में, 1 या 1.5 इंच का गैप रखेंगे हम, 1.5 इंच के गैप से हमें ये लगानी है। तो इस प्रकार से हमें इस लेस को लगाना है। तो ये जो गोटे वाली लेस है आप देख सकते हो हमारी कितनी सुंदर कितना लुक अच्छा दे रही है इसके बाद में। तो ये लेस है जो मैं पूरी लगा कर तैयार कर लेती हूँ, तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, नहीं आप पता आप सोचोगे SP डिज़ाइनर ने इतना सुंदर लहंगा कैसे बना दिया। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो पूरा देखना। तो मैं गोटे वाली लेस लगा लेती हूँ, वो हमारी जो गोटे वाली लेस थी वो भी मैंने लगाकर तैयार कर ली। तो हमारे लहंगे का आप देख सकते हो कितना सुंदर सा लुक आ रहा है गोटे की लेस लगाने के बाद में, हमारा लहंगा अलग ही लुक देने लगा है आप देख सकते हो। तो अब हम इसकी जो ये पूरा फिनिश हो गया पूरी मैंने लगाकर तैयार कर ली है। तो अब जो हमारे कमर का पट्टा है वो बनाएंगे, तो कमर का पट्टा हम क्या है थोड़ी अलग से तरीके से अलग से अंदाज से बनाएंगे नए तरीके से,
तो कमर के पट्टा बनाने के लिए हमें दो कलर की लेने हैं कपड़े। मैंने 5-5 इंच के काट रखे हैं इसको, आप देख सकते हो 5-5 इंच के मैंने इसको काट रखे थे। तो हम इनको क्या है, इनको इस प्रकार से जॉइंट करेंगे, इन दोनों को हम जोड़ेंगे। तो इसी प्रकार हमारी कमर 30 थी, तो 30 के हिसाब से मैं पूरे 5-6-7 जितने भी कपड़े लगेंगे 5-5 इंच के, वो मैं पूरे लगा कर तैयार कर लेती हूँ। इस प्रकार से हम जोड़ेंगे, एक तो ब्लू कलर का है, डार्क ब्लू है, और एक है पिंक कलर का है, डार्क पिंक में ही है। तो इन दोनों कपड़ों को क्या है, हम इस प्रकार से जोड़ेंगे। प्रकार से हम जोड़ेंगे और इसके ऊपर क्या है, हम थोड़ी सी डिजाइन देने के लिए जो हमारी गोटे वाली लेस थी भारी सी जो हमने लहंगे में लगाई थी, वो वाली लेस भी लगाएंगे हम इसको थोड़ा सा नया लुक देने के लिए। तो पहले मैं इसको पूरा तैयार करके फिर हम एक गोटे वाली लेस है इसको लगाएंगे हम, जो भी हमारी कमर में लगेगी, जो हमारे कमर का पट्टा बनेगा उसमें हम ये दो डिजाइन लगाएंगे, सिर्फ दो बार लेस लगाएंगे। तो मैं पूरा लगा कर दिखाती हूँ आपको, देख सकते हैं मैंने पूरी लेस वगैरह लगा कर तैयार कर ली है। तो अब जो हमारा कमर का पट्टा है वो बनाएंगे हम, देख सकते हैं इस प्रकार से मैंने जो कपड़ा लिया था उसको नीचे रख लिया और जो हमारे लहंगे का कपड़ा था मैंने उसको ऊपर रख लिया है। और अम्ब्रेला कट जो लहंगा होता है उसमें कमर में चुनेटे नहीं डलती, तो इस प्रकार से जो हमारा एक कमर का ये ऐसे कि ऐसे ही हमें स्टिच करना है इसको प्लेन का प्लेन, तो ये पूरे कमर का जो पट्टा है वो पूरा स्टिच कर तैयार कर लेती हूँ। मैंने कमर में इसको स्टिच कर लिया है, तो अब जो हमारी जो हमने डिजाइन लगाई थी हमारी कमर में, मतलब लेस लगाई थी गोटे वाली, वो इस प्रकार से आएगी। तो अब क्या है, हमारा जो ये पट्टा है इसको हमें इस प्रकार से यहाँ से फोल्ड करना है, बस इतना सा फोल्ड करके फिर स्टिच करना है। तो जो हमारा कमर का पट्टा है उसको हमें इस प्रकार से फोल्ड करके फिर स्टिच करना है इस प्रकार से। तो अब देख सकते हो मैं इसको स्टिच कर रही हूँ, हमें इस प्रकार से स्टिच करना है इसको। तो इसी प्रकार जो हमारा कमर का पूरा पट्टा है वो मैं तैयार कर लेती हूँ स्टिच करके। देख सकते हैं हमारा जो कमर का पट्टा है कितना सुंदर तरीके से लगकर तैयार हो गया है। जो अब बाकी हमारी जो साइड की ये सिलाई बची हुई है वो मैं लगा लेती हूँ टाँका। देख सकते हैं जो साइड का टाँका था वो भी मैंने लगा कर तैयार कर लिया। मैंने एक साइड से फोल्ड किया है इसको, क्योंकि एक साइड से हमारे धागा निकल सकते हैं, एक साइड से नहीं निकलेंगे, इस वजह से मैंने एक साइड से फोल्ड किया है, एक से नहीं किया। तो अब जो हमारा लहंगा है उसका फाइनल लुक दिखाती हूँ आपको मैं। तो आप देख सकते हैं जो हमारा लहंगा है उसका फाइनल लुक ये है। तो हमारा लहंगा कितना सुंदर सा लग रहा है, कितना प्रीटी लग रहा है हमारा लहंगा। तो हमारा लहंगा कमर में से भी बहुत ही सुंदर लग रहा है, और जो हमने नीचे ये लेस लगाई थी 2-3, और हमारे लहंगे में आप देख सकते हो घेर कितना सारा है। तो अगर आपको मेरे अम्ब्रेला कट लहंगे की कटिंग पसंद आई हो, सॉरी इस सिलाई पसंद आई हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो फिर मिलते हैं ऐसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।